दोस्तों आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया है। तो दोस्तों अगर आप भी ई श्रम कार्ड के अंदर ये छोटा सा भी आप गलती करते हैं तो आपके लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है और आगे चलकर आपको कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ई श्रम कार्ड में क्या गलती नहीं करना है। तो ये छोटा सा वीडियो है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ई श्रम कार्ड के लिए है। अगर आप भी ई श्रम कार्ड बनवाते हैं या फिर बनाते हैं किसी का भी तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा सा वीडियो है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि ई श्रम कार्ड को हम लोग खुद से बना सकते हैं या फिर सीएससी आईडी के थ्रू से भी आप बना सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं। आपको पता है कि ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में बनता है, एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं होता है। और ई श्रम कार्ड दो तरीके से बनाया जाता है। पहला है कि आप ई श्रम कार्ड सीएससी आईडी के थ्रू से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो उसके थ्रू से आप बना सकते हैं, और अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तब भी आप बिना सीएससी आईडी के थ्रू से भी ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं, क्योंकि ई श्रम कार्ड का वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है बहुत ही पहले, तो उसके थ्रू से आप बना सकते हैं, अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं, फ्री में बना सकते हैं। लेकिन जो लोग सीएससी आईडी के थ्रू से बनाते हैं, एक कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो उसमें आपको 16 से 18-20 रुपया आपका बन जाता है, यानी कि सीएससी आईडी देता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि सीएससी आईडी के थ्रू से जो लोग बना रहे हैं वो उसमें तो आपको पैसा मिल ही रहा है, सरकार दे रहा है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं कि जनता से भी ले रहा है, जिसका भी ई श्रम कार्ड बनवा रहा है उससे भी पैसे ले रहा है, और इतना पैसा ले रहा है कि 100-150 ले रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक भी रुपया लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर आप साइड में, तो कुछ लोग ऐसे ही कर रहे थे कि सीएससी आईडी थ्रू से ही बना रहे थे, लेकिन उसमें क्या कर रहा था कि पब्लिक से पैसे ले रहा था, 100-150 रुपया ले रहा था। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो उसमें आपका भी नुकसान हो सकता है और हो सकता है कि आप जेल भी जा सकते हैं और जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए मैं आप लोग को अवेयर करने के लिए ये बता दिया कि अगर आप भी सीएससी आईडी के थ्रू से बनाते हैं और पब्लिक से इतने चार्ज करते हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो दोस्तों अगर आपको चार्ज लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 20 रुपये लीजिए, क्योंकि ई श्रम कार्ड प्रिंट करने में जो आपका खर्च होता है उतने ही मात्र लीजिए। अगर आप लेमिनेशन करा के देते हैं किसी को ई श्रम कार्ड तो उसका ही खर्च लीजिए, क्योंकि आपको सरकार खुद पैसे दे रहा है एक कार्ड बनाने का, 18 से 20 रुपया दे रहा है, तो आपको पब्लिक से चार्ज नहीं करना है। तो बस यही चीज़ मैं आपको अवेयर करने के लिए बता दिया। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा मत कीजिए, हो सकता है कि आपके साथ भी ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यह बता दिया है कि अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उसका सीएससी आईडी का ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो लाइफ टाइम में कभी सीएससी आईडी फिर नहीं बनवा पाएगा। तो अगर आपको अपना सीएससी आईडी को बचाना है कोई ये गलती नहीं करना है ई श्रम कार्ड में, किसी का भी बना रहे हैं तो बस आप इतने पैसे लीजिए जितना लेने के लायक है, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लीजिएगा, लेना है, लेकिन कितना पैसा लेना है तो 10 से 20 रुपये लीजिए, क्योंकि इसमें प्रिंट का खर्च लगता है, बस वैसा ही लीजिए। अगर आप नहीं और अगर आप गलती करते हैं तो आपका सीएससी आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर कभी आप लाइफ टाइम में सीएससी आईडी नहीं बनवा सकते हैं। तो बस यही अवेयर करने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ लोग ऐसे करते होंगे, तो उसको अवेयर करने के लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।